हेलो बच्चों, आज हम T20 सीरीज में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम 20 MCQs का डिस्कशन करेंगे, जिसके थ्रू हम फास्ट फॉरवर्ड इस चैप्टर का रिवीजन कर सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ह्यूमन जेनेटिक्स से है। The possibility of a female becoming hemophilic is extremely rare. किसी भी फीमेल के हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली रेयर है, एनसीईआरटी की लाइन है। क्यों रेयर है? रीजन यहां दिया है, मदर ऑफ हीमोफिलिक फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा और फादर को डिजीज होना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। लाइन एनसीईआरटी की ही है। Assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये रीजन, इसको हिंदी में देख लेते हैं। कथन, नारी में हीमोफीलिया होने की संभावना विरल यानी रेयर होती है। कारण दिया है, हीमोफिलिक नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया ग्रस्त होना चाहिए। अगर ये assertion का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम इस चीज को चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चेक कर लेते हैं। आंसर इसका है फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फीमेल है आपके पास और वो फीमेल हीमोफिलिक है। अगर फीमेल को हीमोफिलिक होना है बच्चे, तो उस फीमेल के पास जो दो एक्स क्रोमोसोम है उसमें से एक एक्स क्रोमोसोम मदर से आया होगा और दूसरा एक्स क्रोमोसोम फादर से आया होगा। ये फादर और ये मदर। फादर से जो एक्स क्रोमोसोम आया है तो फादर का दूसरा क्रोमोसोम है वाई, यानी फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। तो कहा गया है कि अगर कोई डॉटर हीमोफिलिक है तो उसके फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, तभी वो डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है। दूसरा, मदर, मदर के पास कम से कम एक एक्स एच क्रोमोसोम यानी एक्स क्रोमोसोम पर हीमोफिलिया की जीन होगी। अगर कम से कम ये है तो दूसरा, इस एम्प्टी स्पेस पर हम नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम भी लिख सकते हैं और हीमोफीलिया की जीन वाला एक्सएच भी लिख सकते हैं। यानी जो हमसे कहा गया वो क्लियर हो गया कि किसी भी गर्ल चाइल्ड को अगर हम हीमोफिलिक कहते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होने के लिए फादर को हीमोफिलिक और मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा। डिजीज होगी तो भी ये बीमारी आ जाएगी। तो एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो गई दैट हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर इन ए गर्ल चाइल्ड, बिकॉज टू हैव हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड फादर हैज टू बी हीमोफिलिक एंड मदर हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर। क्लियर बच्चों? आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में बात करता है। एनसीईआरटी पेज 78 पर भी थोड़ा इसके बारे में बताया गया है। स्टेटमेंट वन और टू करेक्ट इनकरेक्ट हमें देखने होते हैं ऐसे सवालों में। क्या है? व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फीनोटिपिक एक्सप्रेशन। जब एक सिंगल जीन मल्टीपल फीनोटिपिक एक्सप्रेशन एग्जिबिट करती है, सच जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियो मींस मल्टीपल, ट्रॉपिक मींस इफेक्ट। तो प्लियोट्रॉपिक जीन वो है जहां एक सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट्स को एग्जिबिट करे। इसका मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। याद करिए, पहले एनसीईआरटी के सप्लीमेंट वाले सेक्शन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात होती थी, अब साथ में भी आ गया है। तो ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बताओ बच्चों, ये प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जाम्पल है या फिर ये एग्जाम्पल है किसका? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जाम्पल है बच्चों। इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आइए हिंदी में देख लेते हैं। जब एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप यानी फीनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। बिल्कुल सही। मानव में त्वचा का रंग बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है या बहुजीनीय वंशानुगति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है? तो ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है। यानी स्टेटमेंट एक करेक्ट है और स्टेटमेंट दो इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ बच्चों ये कंसेप्ट? आइए आंसर देख लेते हैं। सेकंड, कथन एक सही है एवं कथन दो गलत है।
आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड है। लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। ध्यान से समझिएगा बच्चों इस लाइन को। स्टेटमेंट वन है, लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। बिल्कुल सही। मैं फिर से बताता हूं, मेंडल ने एक करा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक करा था डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने डोमिनेंस और सेग्रीगेशन इन दो प्रिंसिपल्स की बात करी थी, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। डायहाइब्रिड क्रॉस कराते समय मेंडल ने बात करी थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें दिखता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट का एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है कौन? लिंकेज। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू पर आते हैं। क्लोजली लिंक जीन शो मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बेटा मैं बात कर रहा हूं क्लोजली लिंक जीन की। अगर मैं क्लोजली लिंक जीन कहता हूं तो कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल। यहां पर मैंने इस तरह से एक क्रोमोसोम बना दिया। इस क्रोमोसोम में मैंने लिख दिया कि ये जीन ए है और ये जीन बी है। अगर ये दोनों जीन बिल्कुल क्लोजली लिंक है तो इनके बीच में से काइज़मा फॉर्मेशन यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो रिकॉम्बिनेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल शब्दों में कहें कि क्लोजली लिंक जीन जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ही रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर मैं इसे हिंदी में देखूं तो क्या है? सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद होती है। बिल्कुल सही। निकट उपस्थित सहलग्न जीन अधिक पैतृक संयोजन दर्शाते हैं, यह भी सही है। यानी कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां मैं दे दूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल सही है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर इज ऑपोजिट ऑफ लिंकेज। अगर मैं यहां एक जीन बना दूं और उस जीन को कह दूं सी जीन, तो ए और सी जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है ए और बी जीन के मुकाबले। इन दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस कम है तो यहां लिंकेज ज्यादा होगी, और इन दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां लिंकेज कम होगी। तो याद रखिएगा, जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां लिंकेज कम होगी, तो वहां काइज़मा बीच में से यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है। तो लाइन क्लियर कर दूं, लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर इज ऑपोजिट ऑफ लिंकेज। ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज ऑपोजिट है, एक ज्यादा है तो एक कम होगा, एक कम है तो एक ज्यादा होगा। ये चीज हमें याद रखनी है। आइए बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, मतलब आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला। क्लियर बच्चों? आइए फोर्थ देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वॉज स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट। मेंडल ने मटर के पौधे में निम्न में से कितने लक्षणों का अध्ययन किया? हमें कैरेक्टर्स पूछा है। ध्यान से समझना बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल। एनसीईआरटी कहती है हमें मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का स्टडी करी, 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी। हर कैरेक्टर के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी। तो दूसरे शब्दों में कहें तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। हर पेयर में 2 वैरायटी हो गई,
एक लंबी, एक बॉनी, एक पर्पल, एक वाइट, एक राउंड, एक रिंकल, एक ग्रीन, तो एक येलो, एक इन्फ्लेटेड, तो एक डिफ्लेटेड। तो जो सेवन कैरेक्टर्स लिए थे उन सेवन कैरेक्टर्स के सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बने और इससे हमें मिले वहां 14 वैराइटीज। ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया। यहां आपको कैरेक्टर दिया है, जैसे कैरेक्टर है स्टेम हाइट, एक टॉल हो जाएगा, एक ड्वार्फ हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो लाइन में कह रहा हूं, इस क्वेश्चन से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पहले, कि सेवन कैरेक्टर्स थे जिनके लिए सेवन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, यानी हर पेयर को इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो टोटल 14 वैराइटीज मेंडल ने स्टडी करी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या मेंडल ने स्टेम हाइट की स्टडी करी, टॉल एंड ड्वार्फ? यस, करी। क्या मेंडल ने फ्लावर कलर की स्टडी करी, पुष्प? अगर ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, टाइटली लिंक जीन प्रोड्यूसर्स मोरली, द पुनेट स्क्वायर शोन बिलो रिप्रेजेंट द पैटर्न। हेलो बच्चों, आज हम T20 सीरीज में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस टॉपिक का डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक में हम 20 MCQs का डिस्कशन करेंगे जिसके थ्रू हम फास्ट फॉरवर्ड इस चैप्टर का रिवीजन कर सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कशन शुरू करते हैं। बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन ह्यूमन जेनेटिक्स से है। द पॉसिबिलिटी ऑफ अ फीमेल बिकमिंग हीमोफिलिक इज एक्सट्रीमली रेयर। किसी भी फीमेल के हीमोफिलिक होने की पॉसिबिलिटी एक्सट्रीमली रेयर है, NCERT की लाइन है। क्यों रेयर है? रीजन यहां दिया है, मदर ऑफ हीमोफिलिक फीमेल हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर एंड द फादर शुड बी हीमोफिलिक। मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा और फादर को डिजीज होना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। लाइन एनसीईआरटी की ही है। असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है ये रीजन, इसको हिंदी में देख लेते हैं। कथन, नारी में हीमोफीलिया होने की संभावना विरल यानी रेयर होती है। कारण दिया है, हीमोफिलिक नारी की माता को कम से कम वाहक और पिता को हीमोफीलिया ग्रस्त होना चाहिए। अगर ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है तो हम इस चीज को चेक कर लेते हैं। एनसीईआरटी की लाइन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, चेक कर लेते हैं। आंसर इसका है फर्स्ट। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि एक फीमेल है आपके पास और वो फीमेल हीमोफिलिक है। अगर फीमेल को हीमोफिलिक होना है बच्चे, तो उस फीमेल के पास जो दो एक्स क्रोमोजोम है उसमें से एक एक्स क्रोमोजोम मदर से आया होगा और दूसरा एक्स क्रोमोजोम फादर से आया होगा। ये फादर और ये मदर। फादर से जो एक्स क्रोमोजोम आया है तो फादर का दूसरा क्रोमोजोम है वाई, यानी फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा। तो कहा गया है कि अगर कोई डॉटर हीमोफिलिक है तो उसके फादर को हीमोफिलिक होना पड़ेगा, तभी वो डॉटर हीमोफिलिक हो सकती है। दूसरा, मदर, मदर के पास कम से कम एक एक्स एच क्रोमोजोम यानी एक्स क्रोमोजोम पर हीमोफीलिया की जीन होगी। अगर कम से कम ये है तो दूसरा, इस एम्प्टी स्पेस पर हम नॉर्मल एक्स क्रोमोजोम भी लिख सकते हैं और हीमोफीलिया की जीन वाला एक्स एच भी लिख सकते हैं। यानी जो हमसे कहा गया वो क्लियर हो गया कि किसी भी गर्ल चाइल्ड को अगर हम हीमोफिलिक कहते हैं तो उसके चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि ऐसी सिचुएशन होने के लिए फादर को हीमोफिलिक और मदर को कम से कम कैरियर होना पड़ेगा, डिजीज होगी तो भी ये बीमारी आ जाएगी। तो एनसीईआरटी की लाइन क्लियर हो गई, दैट हीमोफीलिया इज एक्सट्रीमली रेयर इन ए गर्ल चाइल्ड बिकॉज टू हैव हीमोफिलिक गर्ल चाइल्ड फादर हैज टू बी हीमोफिलिक एंड मदर हैज टू बी एटलीस्ट कैरियर। क्लियर बच्चों? आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में बात करता है। एनसीईआरटी पेज 78 पर भी थोड़ा इसके बारे में बताया गया है। स्टेटमेंट 1 और 2 करेक्ट इनकरेक्ट हमें देखने होते हैं ऐसे सवालों में। क्या है? व्हेन अ सिंगल जीन कैन एग्जिबिट मल्टीपल फीनोटिपिक एक्सप्रेशन। जब एक सिंगल जीन मल्टीपल फीनोटिपिक एक्सप्रेशन एग्जिबिट करती है, सच जीन इज कॉल्ड एज प्लियोट्रॉपिक जीन। प्लियो मीन्स मल्टीपल, ट्रॉपिक मीन्स इफेक्ट,
तो प्लियोट्रॉपिक जीन वो है जहां एक सिंगल जीन मल्टीपल इफेक्ट्स को एग्जिबिट करे। इसका मतलब स्टेटमेंट वन करेक्ट है। स्टेटमेंट टू, ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ। याद करिए पहले एनसीईआरटी के सप्लीमेंट वाले सेक्शन में पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस की बात होती थी, अब साथ में भी आ गया है। तो ह्यूमन स्किन कलर इज एन एग्जांपल ऑफ, बताओ बच्चों ये प्लियोट्रॉपिक जीन का एग्जांपल है या फिर ये एग्जांपल है किसका? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का। ये पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है बच्चों। इसका मतलब स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है पर स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है। आइए हिंदी में देख लेते हैं। जब एकल जीन अनेक दृश्य प्रारूप यानी फिनोटाइप लक्षणों को प्रकट करता है तो ऐसे जीन को बहुप्रभावी जीन कहते हैं। बिल्कुल सही। मानव में त्वचा का रंग बहुप्रभावी जीन का उदाहरण है या बहुजीनीय वंशानुगति यानी पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है? तो यह पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस का उदाहरण है। यानी स्टेटमेंट एक करेक्ट है और स्टेटमेंट दो इनकरेक्ट है। क्लियर हुआ बच्चों ये कंसेप्ट? आइए आंसर देख लेते हैं। सेकंड, कथन एक सही है एवं कथन दो गलत है। आइए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन लिंकेज एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से रिलेटेड है। लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। ध्यान से समझिएगा बच्चों इस लाइन को। स्टेटमेंट वन है लिंकेज इज द एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ। बिल्कुल सही। मैं फिर से बताता हूं, मेंडल ने एक करा था मोनोहाइब्रिड क्रॉस, एक करा था डायहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने डोमिनेंस और सेग्रीगेशन इन दो प्रिंसिपल्स की बात करी थी, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। डायहाइब्रिड क्रॉस कराते समय मेंडल ने बात करी थी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। तो क्वेश्चन इस तरह से भी फ्रेम हो सकता है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमें दिखता है डायहाइब्रिड क्रॉस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस का एक्सेप्शन था इनकंप्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंस। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या प्योरिटी ऑफ गैमेट का एक्सेप्शन है नॉन डिसजंक्शन। और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का एक्सेप्शन है कौन? लिंकेज। तो स्टेटमेंट वन तो करेक्ट है। स्टेटमेंट टू पर आते हैं। क्लोजली लिंक जीन शो मोर पेरेंटल कॉम्बिनेशन। बेटा मैं बात कर रहा हूं क्लोजली लिंक जीन की। अगर मैं क्लोजली लिंक जीन कहता हूं तो कहानी क्या है? कहानी बहुत सिंपल। यहां पर मैंने इस तरह से एक क्रोमोसोम बना दिया। इस क्रोमोसोम में मैंने लिख दिया कि ये जीन ए है और ये जीन बी है। अगर ये दोनों जीन बिल्कुल क्लोजली लिंक है तो इनके बीच में से काइज़मा फॉर्मेशन यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम होंगे। और अगर क्रॉसिंग ओवर के चांसेस कम होंगे तो रिकॉम्बिनेंट के चांसेस भी कम हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल शब्दों में कहें कि क्लोजली लिंक जीन जिनके बीच में क्रॉसिंग ओवर के चांसेस बहुत कम है उनमें पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे क्योंकि क्रॉसिंग ओवर ही रिकॉम्बिनेंट यानी पुनर्योगज के लिए उत्तरदायी होता है। तो अगर मैं इसे हिंदी में देखूं तो क्या है? सहलग्नता स्वतंत्र अपव्यूहन का अपवाद होती है। बिल्कुल सही। निकट उपस्थित सहलग्न जीन अधिक पैतृक संयोजन दर्शाते हैं। यह भी सही है। यानी कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन यहां मैं दे दूं, ध्यान से सुनिएगा बच्चों। लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल सही है। लेकिन क्रॉसिंग ओवर इज ऑपोजिट ऑफ लिंकेज। अगर मैं यहां एक जीन बना दूं और उस जीन को कह दूं सी जीन, तो ए और सी जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है ए और बी जीन के मुकाबले। इन दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस कम है तो यहां लिंकेज ज्यादा होगी, और इन दोनों जीन के बीच की डिस्टेंस ज्यादा है तो यहां लिंकेज कम होगी। तो याद रखिएगा जहां डिस्टेंस ज्यादा है वहां लिंकेज कम होगी, तो वहां काइज़मा बीच में से यानी क्रॉसिंग ओवर के चांसेस ज्यादा है। तो लाइन क्लियर कर दूं, लिंकेज इज एक्सेप्शन ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड क्रॉसिंग ओवर इज ऑपोजिट ऑफ लिंकेज।
ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। क्रॉसिंग ओवर और लिंकेज ऑपोजिट है, एक ज्यादा है तो एक कम होगा, एक कम है तो एक ज्यादा होगा, ये चीज हमें याद रखनी है। आइए बच्चों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है, मतलब आंसर होगा फर्स्ट स्टेटमेंट, ये वाला। क्लियर बच्चों? आइए फोर्थ देखते हैं। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर्स वॉज स्टडीड बाय मेंडल इन पी प्लांट? मेंडल ने मटर के पौधे में निम्न में से कितने लक्षणों का अध्ययन किया? हमें कैरेक्टर्स पूछा है, ध्यान से समझना बच्चों, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिंपल। एनसीईआरटी कहती है हमें मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स का स्टडी करी, 7 कैरेक्टर्स की स्टडी करी। हर कैरेक्टर के लिए 2 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट थी, तो दूसरे शब्दों में कहें तो 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट। हर पेयर में 2 वैरायटी हो गई, एक लंबी एक बॉनी, एक पर्पल एक व्हाइट, एक राउंड एक रिंकल, एक ग्रीन तो एक येलो, एक इन्फ्लेटेड तो एक डिफ्लेटेड। तो जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे, उन 7 कैरेक्टर्स के 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट बने, और इससे हमें मिले वहां 14 वैराइटीज। ये एडिशनल क्वेश्चन हो गया। यहां आपको कैरेक्टर दिया है, जैसे कैरेक्टर है स्टेम हाइट, एक टॉल हो जाएगा एक ड्वार्फ हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो लाइन में कह रहा हूं, इस क्वेश्चन से एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा हूं पहले, कि 7 कैरेक्टर्स थे जिनके लिए 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट लिए, यानी हर पेयर को इंडिविजुअल काउंट करेंगे तो टोटल 14 वैराइटीज मेंडल ने स्टडी करी। क्लियर? अब इस क्वेश्चन पर वापस आते हैं। क्या मेंडल ने स्टेम हाइट की स्टडी करी, टॉल एंड ड्वार्फ? यस करी। क्या मेंडल ने फ्लावर कलर की स्टडी करी, पुष्प? मेंडल ने फ्लावर शेप की स्टडी करी? नो, मेंडल ने पॉड शेप, सीड शेप, इन दो के शेप की स्टडी करी, मेंडल ने फ्लावर शेप की स्टडी नहीं करी। क्या मेंडल ने पॉड कलर की स्टडी करी, ग्रीन येलो? यस करी। क्या मेंडल ने पॉड शेप की स्टडी करी, इनफ्लेटेड एंड डिफ्लेटेड? यस करी। क्या मेंडल ने सीड कलर की स्टडी करी, सीड कलर की स्टडी करी, येलो ग्रीन? यस करी। क्या मेंडल ने स्टेम शेप की स्टडी करी? नो, मेंडल ने स्टेम शेप की स्टडी नहीं करी। शेप में मेंडल ने पॉड का शेप और सीड का शेप, सिर्फ इन दो के शेप की स्टडी करी। तो मेंडल ने तने की ऊंचाई पहला, फूल का रंग दूसरा, फली का रंग तीसरा, फली का आकार चौथा और बीज का रंग पांचवा। टोटल 5 कैरेक्टर्स की मेंडल ने स्टडी करी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, जिसमें कितने हैं, 5। क्लियर बच्चों ये वाला पॉइंट? इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को लर्न करना है। आंसर क्या होगा बच्चे इसका, थर्ड। आइए बच्चों फिफ्थ क्वेश्चन, चूज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहां हमें क्या चुनना है बच्चे, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है जिसे हमें चूज करना है। आइए देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट। पहला, क्लोजली लोकेटेड जीन्स प्रोड्यूसेस वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट। जितनी भी जीन्स क्लोजली लोकेटेड है वो बहुत कम रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस करती है, करेक्ट है। हम क्या कहते हैं कि लिंकेज अगर कहीं पर कम है तो वहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा होगा, और कहीं पर लिंकेज ज्यादा है तो वहां क्रॉसिंग ओवर कम होगा। हमने कहा क्लोजली लोकेटेड जीन है, तो ऐसी सिचुएशन में लिंकेज क्या होगी बेटा, मोर, तो क्रॉसिंग ओवर क्या हो जाएगा, लेस। तो जहां क्रॉसिंग ओवर लेस होगा वहां रिकॉम्बिनेंट का नंबर कम होगा। तो स्टेटमेंट करेक्ट आ गया, क्लोजली लोकेटेड जीन लिंकेज मोर, क्रॉसिंग ओवर लेस, सो दे प्रोड्यूसेस वेरी फ्यू रिकॉम्बिनेंट। सेकेंड स्टेटमेंट, डिस्टेंटली लोकेटेड जीन्स यानी वहां लिंकेज कम, वहां क्रॉसिंग ओवर ज्यादा, तो दे प्रोड्यूसेस हायर रिकॉम्बिनेंट। तो ये भी क्या हो गया, करेक्ट। तो फिर से क्लियर कर दूं,
जीन जितनी पास होंगी उनमें लिंकेज उतनी ज्यादा, लिंकेज जितनी ज्यादा पेरेंटल कॉम्बिनेशन उतने ज्यादा, क्रॉसिंग ओवर उतना ही कम तो रिकॉम्बिनेंट उतने ही कम, जीन जितनी ज्यादा दूर उनमें लिंकेज उतनी ही कम तो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस थोड़े कम हो गए और रिकॉम्बिनेंट बढ़ गए। क्लियर? आइए तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, 50% रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस्ड शो रिजल्ट्स सिमिलर टू इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। कहने का मतलब क्या है, ये लाइन कह रही है कि पेरेंटल कॉम्बिनेशन और रिकॉम्बिनेंट बराबर होंगे और दोनों की वैल्यू 50% होगी। जितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही रिकॉम्बिनेंट बनेंगे, ये लाइन ये कहना चाह रही है। ऐसा है तो समझते हैं एनसीईआरटी का पेज 80 जहां वो डायहाइब्रिड क्रॉस की डेफिनेशन देता है, वो लगभग यही लाइन है। क्या कहता है, व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स और ट्रेट आर कंबाइंड इन ए डायहाइब्रिड, सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द सेग्रीगेशन ऑफ अनदर पेयर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल सा है कि हमारे पास, हमने कहा ये होमोजाइगस डोमिनेंट प्लांट और ये होमोजाइगस रिसेसिव प्लांट, इनके गैमेट बने कैपिटल वाई कैपिटल आर, इसके गैमेट बने स्मॉल वाई स्मॉल आर। ये गैमेट बन गए बच्चों, आइए समझते हैं। अगर ये गैमेट बन रहे हैं, इसने बनाया ये, इसने बनाया ये, तो इनकी आने वाली प्रोजेनी जो F1 जनरेशन है वो है कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब इस F1 प्रोजेनी के गैमेट बनने की बारी आएगी तो हम इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट देखने जा रहे हैं। यही बात समझने की है, यहां कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ गया और यहां स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ गया, लेकिन जब हमने इन दोनों पेयर ऑफ कैरेक्टर्स को एक हाइब्रिड में कंबाइंड कर दिया डायहाइब्रिड, तो वो एनसीईआरटी की पहली लाइन हो गई, वो व्हेन टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स आर कंबाइंड इन ए डायहाइब्रिड। पहला कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ये वाला, दूसरा कॉन्ट्रास्टिंग पेयर ये वाला, तो ऐसे केस में सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर ऑफ कैरेक्टर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर। तो कैपिटल वाई कैपिटल आर पहला गैमेट, स्मॉल वाई स्मॉल आर दूसरा गैमेट। ये दोनों गैमेट क्या बता रहे हैं कि कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ चला गया और स्मॉल वाई स्मॉल आर के साथ चला गया, लेकिन दो गैमेट और बने कैपिटल वाई स्मॉल आर के साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर के साथ। इन चारों का रेशो 1:1:1:1 आया। जरा गौर से देखिए, ये पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये रहा, गौर से देखिए ये भी पेरेंटल कॉम्बिनेशन है ये रहा, और ये दोनों कहलाए रिकॉम्बिनेंट। तो दो पेरेंटल कॉम्बिनेशन बने तो दो रिकॉम्बिनेंट बने, यानी सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम अनदर पेयर। और उसी लाइन को दूसरे शब्दों में कहे तो जितने पेरेंटल कॉम्बिनेशन बनेंगे उतने ही रिकॉम्बिनेंट बनेंगे 50%। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गया, करेक्ट। चौथे स्टेटमेंट पर आते हैं, टाइटली लिंक जीन प्रोड्यूसेस मोर रिकॉम्बिनेंट। क्या बेटा टाइटली लिंक जीन कभी भी ज्यादा रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस कर सकती है क्या? संभव ही नहीं। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट ये है। पढ़ते हैं, असत्य कथन चुनिए, आसपास स्थित जीन बहुत कम पुनर्योजी बनाती है, सत्य है। दूरस्थ जीने आसपास स्थित जीनों की अपेक्षा ज्यादा पुनर्योजी बनाती है, सही है। 50% पुनर्योजन का उत्पन्न होना स्वतंत्र अफ्यूजन के परिणाम के समान होता है, सही है। अधिक सहलग्न जीन कम सहलग्न जीनों से अधिक पुनर्योजन बनाती है, गलत है। हमसे क्या चुनने को बोला है, इनकरेक्ट। और कौन सा इनकरेक्ट है, फोर्थ। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, फोर्थ। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। हमें फिर से इनकरेक्ट चुनना है, आइए देखते हैं कौन करेक्ट है कौन इनकरेक्ट है। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस ऑफ मेंडल F1 ऑलवेज रिजेंबल आइदर वन ऑफ द पेरेंट। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर F1 अपने किसी एक पेरेंट से रिजेंबल करती है। कैसे? हमने कहा एक पेरेंट था टॉल, एक पेरेंट था ड्वार्फ,
और इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो प्रोजेनी आई टॉल। तो क्या F1 प्रोजेनी अपने किसी एक पेरेंट से रिजेंबल कर रही है? आइदर वन। यस, टॉल और ड्वार्फ का क्रॉस कराया तो आया टॉल। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? सही। F1 प्रोजेनी अपने किसी एक पेरेंट को मैच करती है। सेकंड, सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ टॉल F2 प्लांट प्रोड्यूसेस ओनली टॉल प्लांट। F2 का टॉल, किसका टॉल? F2 टॉल। अगर आप F2 में टॉल देखेंगे तो आपको दो पॉसिबिलिटीज नजर आएंगी। पहला कैपिटल टी, दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी। F2 में दो तरह के टॉल थे। अगर मैं सेल्फिंग करवाता हूं तो कैपिटल टी की अगर सेल्फिंग होगी तो सारे के सारे बच्चे सिर्फ और सिर्फ टॉल होंगे। लेकिन अगर कैपिटल टी स्मॉल टी की सेल्फिंग होगी तो यहां मुझे 3 टॉल और एक ड्वार्फ भी मिलेगा। इसका मतलब सेल्फ पॉलिनेशन ऑफ टॉल F2, उसने ये नहीं लिखा होमोजाइगस टॉल या हेटेरोजाइगस टॉल, तो मुझे दोनों सोचने पड़ेंगे। प्रोड्यूसेस ओनली टॉल प्लांट, तो ये हो गया गलत। क्या हो गया बच्चे? गलत। क्यों गलत हो गया ये स्टेटमेंट? क्योंकि उसका रीजन है कि अगर हेटेरोजाइगस टॉल प्लांट हुआ तो फिर हमें ड्वार्फ भी मिलेगा। आइए बाकी स्टेटमेंट भी चेक करते हैं। पुन्नेट स्क्वायर इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल पॉसिबल जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग इन अ जेनेटिक क्रॉस। हम कोई एक जो जेनेटिक क्रॉस बनाने जा रहे हैं, तो बेटा ये पुन्नेट स्क्वायर था आपका, जरा गौर से देखिएगा। पुन्नेट स्क्वायर कुछ इस तरह से बना था, कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहां पर हम इन चारों ब्लॉक में प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं। जैसे इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, यानी पुन्नेट स्क्वायर पॉसिबल जीनोटाइप्स की प्रोबेबिलिटीज की बात करता है, तो ये तो सत्य है। चौथा, द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग एट आइदर F1 और F2 स्टेज इन मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सोचिए ब्लेंडिंग का मतलब क्या है। ये शब्द आया है ब्लेंडिंग, इसका मतलब क्या है? तो बहुत सिंपल शब्दों में समझा दूं, ब्लेंडिंग का मतलब है दो चीजें इस तरह से मिक्स हो गई हैं कि अब उनका अलग होना संभव नहीं है। जैसे आप एक ड्रॉप रेड कलर लें, एक ड्रॉप व्हाइट कलर लें, दोनों को मिक्स कर दें, अब वो इस तरह से ब्लेंड हो गए हैं कि वो अलग नहीं हो सकते। ये है ब्लेंडिंग। लेकिन अगर मैं दोनों को अलग कर पाऊं तो फिर इसे मैं ब्लेंडिंग नहीं कहूंगा। तो हम कहना क्या चाह रहे हैं कि टॉल और ड्वार्फ का जब क्रॉस कराया तो F1 में सिर्फ टॉल आया। ऐसा लगा कि ड्वार्फ कहीं खो गया है, शायद F1 में ब्लेंड हो गया है, ऐसा लगा। पर जब F1 की सेल्फिंग करवाई तो F2 में ड्वार्फ निकल के अलग से नजर आया। 3:1 के रेशियो में जो ड्वार्फ आया, इसने बताया कि अगर ये ब्लेंड हो जाता तो ये अलग से अपना अस्तित्व एग्जिस्टेंस F2 में दिखाता नहीं। लेकिन अगर ये F2 में ड्वार्फ अलग से निकल के आया है, मतलब ब्लेंडिंग एक्सेप्टेड है या रिजेक्टेड? रिजेक्टेड। मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है बच्चे? सही। क्लियर? आइए समझते हैं इसी क्वेश्चन को हिंदी में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मेंडल के एक संकर क्रॉस में F1 हमेशा दोनों में से किसी एक जनक के लक्षण के समान होता है। सत्य है, क्योंकि F1 को देखिए आप, टॉल है तो भी एक जनक के समान। पॉड कलर की बात कर दें, ग्रीन है तो भी एक जनक के समान। सीड शेप की बात कर दें, राउंड है तो भी एक जनक के समान। लंबे F2 पादपों का स्व का परागण कराने पर केवल लंबे पादप होते हैं। लंबे F2 लिखा है, शुद्ध या अशुद्ध शब्द का प्रयोग नहीं करा। अगर शुद्ध लंबा है तो सिर्फ लंबे मिलेंगे और अशुद्ध लंबा है तो बोना भी मिलेगा, मतलब गलत हो गया। पुन्नेट स्क्वायर अभी हमने पढ़ा, प्रोबेबिलिटी के बारे में 1/4 1/4 की बात करेगा, और एक संकर क्रॉस में हमने कहा कि F1 जेनरेशन में ऐसा लगा कि ड्वार्फ कहीं खो गया, ब्लेंडिंग तो नहीं है, पर F2 में जैसे ही ड्वार्फ अलग से निकल के आया समझ में आ गया कि यह ब्लेंडिंग नहीं है। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? हमें चुनना था कौन सत्य नहीं है, तो असत्य कथन कौन सा है? सेकंड। आंसर क्या है? सेकंड। आइए बच्चों देखते हैं सेवंथ। इन ह्यूमन एबीओ ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाय जीन आई। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इस बार हमें सत्य कथन चुनना है।
सत्य कथन चुनना है। पहला कथन पढ़ते हैं, द एलिल आई ए एंड आई बी प्रोड्यूसेस द सेम काइंड ऑफ शुगर। क्या आई ए और आई बी सेम काइंड ऑफ शुगर देते हैं क्या? अगर समान शर्करा देते तो जो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज दे रहा है वो समान ही होता, तो फिर हमें आई ए और आई बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। इसका मतलब ये गलत है। दूसरा, ह्यूमन आर डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही। आगे की लाइन, ईच पर्सन पजेसेस थ्री एलिल ऑफ जीन आई, ये गलत हो गया। ह्यूमन डिप्लॉयड है ये तो सत्य है, पर डिप्लॉयड होने की वजह से हर इंसान के अंदर मैक्सिमम कितनी फॉर्म हो सकती है? दो। और यहां इसने लिखा कि हर इंसान के अंदर तीन एलिल आ जाए तो संभव ही नहीं है, फिर वो डिप्लॉयड नहीं है। तो ये भी क्या हो गया बच्चे, गलत। एलिल आई ए एंड आई बी आर इनकम्प्लीटली डोमिनेंट ओवर एलिल स्मॉल आई। बेटा आई ए स्मॉल आई, अगर इसका ब्लड ग्रुप आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर होगा ए ब्लड ग्रुप। अगर मैं कहता हूं आई बी स्मॉल आई, इसका ब्लड ग्रुप पूछा जाए तो आप कहेंगे बी ब्लड ग्रुप। इसका मतलब आई ए जब स्मॉल आई के साथ आया तो आई ए की वजह से ब्लड ग्रुप ए आया, तो कंप्लीट डोमिनेंस है। ठीक ऐसे ही आई बी की भी कंप्लीट डोमिनेंस है, तो यह भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। अगर इनकम्प्लीट डोमिनेंस होती तो ए और बी कलर इस तरह से हम ए और बी ब्लड ग्रुप हमें इस तरह से नजर नहीं आते। फोर फीनोटाइप एंड सिक्स जीनोटाइप आर फॉर्म्ड इन केस ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम, करेक्ट है। सर ये फोर फीनोटाइप कौन से हैं? ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, चार फीनोटाइप हैं। ए ए बी ए बी ओ। सर जीनोटाइप कौन से हैं? आई ए आई ए, आई ए स्मॉल आई ए ब्लड ग्रुप के लिए, आई बी आई बी, आई बी स्मॉल आई बी ब्लड ग्रुप के लिए, आई ए आई बी ए बी ब्लड ग्रुप के लिए, स्मॉल आई ओ ब्लड ग्रुप के लिए। तो टोटल जीनोटाइप कितने हो गए? छह। क्लियर बच्चों? तो इसका मतलब फोर्थ भी सही है। आइए हिंदी में देखते हैं इसी क्वेश्चन को। मनुष्य में एबीओ रुधिर समूह जीन आई के द्वारा नियंत्रित होता है, निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करो। एलिल आई ए तथा आई बी के द्वारा समान प्रकार की शर्करा का निर्माण होता है, समान नहीं है। अगर समान होता तो फिर ए और बी ब्लड ग्रुप समान हो जाता, ए और बी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मनुष्य द्विगुणित सजीव है, कथन यहां तक सही है, पर प्रत्येक व्यक्ति में जीन आई की तीनों एलिल उपस्थित होती है, तीनों नहीं होती, सिर्फ दो होती है। एलिल आई ए तथा आई बी एलिल अपूर्ण प्रभावी नहीं होते। कैसे प्रभावी होते हैं? पूर्ण। तो ये भी हो गया। तो अल्टीमेटली फिर हमें क्या आंसर मिला? फोर्थ। चार लक्षण प्रारूप ए बी ए बी ओ और जीनोटाइप छह हो गए। क्लियर बच्चों? तो आंसर क्या जाएगा इसका? फोर्थ। आइए अगला देखते हैं। बेटा एनसीईआरटी का ये डायग्राम पेज 84, इस पेज के आपको रिजल्ट याद होने चाहिए अच्छे से। इसके रिजल्ट अगर आपको याद है तो आप ऐसे सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। ये क्या कहता है? द एक्सपेरिमेंट शोन इन द फिगर हैज बीन कैरिड आउट बाय मॉर्गन टू शो द फिनोमेना ऑफ लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन। इसमें वो लिंकेज और रिकॉम्बिनेशन की बात कर रहा है। इफ इन क्रॉस वन जीन्स आर टाइटली लिंक, क्रॉस वन में जीन टाइटली लिंक है एंड क्रॉस टू जीन्स आर लूजली लिंक, देन व्हाट विल बी परसेंटेज ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्रोड्यूस इन क्रॉस वन एंड क्रॉस टू रेस्पेक्टिवली इन एफ टू जनरेशन। आइए हिंदी में इसे देख लें कि निम्न चित्र में दर्शाया गया प्रयोग मॉर्गन द्वारा किया गया था जिसमें संलग्न एवं पुनर्संयोजन दिखाया गया है। यदि संकरण एक में जीन अधिक संलग्न है तो हो तो दो संकरण में जीन का कम संलग्न हो तो एक व दो के संकरण की F2 पीढ़ी में पुनर्संयोजी की प्रतिशतता क्रमशः क्या होगी? समझिएगा, पहला क्रॉस Y और W की दूरी, दूसरा क्रॉस W और M की दूरी। अगर मैं इन दूरियों की बात करूं तो क्रॉस वन में दूरी कम है, तो बहुत सिंपल शब्दों में
क्रॉस वन, क्रॉस टू। क्रॉस वन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन, क्रॉस टू में रिकॉम्बिनेंट। दो चीजें हमारे पास क्लियर। जहां दूरी कम है वहां पैतृक ज्यादा होंगे, यानी पेरेंटल ज्यादा होंगे और रिकॉम्बिनेंट कम होंगे। इतना समझ आ रहा है? तो क्रॉस वन, जहां डिस्टेंस कम है वहां रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू क्या होनी चाहिए? सोचिए, लिंकेज ज्यादा है तो रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू कम। तो क्रॉस वन में रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू कम कहां पर है, पहले चेक कर लेते हैं। 98.7, 62.8 रूल आउट हो गया। संभव ही नहीं है कि क्रॉस वन में क्रॉस टू के रेफरेंस में रिकॉम्बिनेंट ज्यादा हो जाए। अगला और देख लेते हैं, जरा इन चीजों को चेक करें। क्रॉस वन क्रॉस टू की बात कर रहे हैं, 37.2 एम एंड 1.3%। क्रॉस वन में रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू यहां पर भी ज्यादा दी हुई है, ये कंफर्म हो गया कि क्रॉस वन की कहानी है। तीसरी चीज और समझा देता हूं, अगर आपको याद भी नहीं है तो भी आप यहीं से आंसर्स की तरफ जा सकते हैं, बहुत सिंपल तरीका है। ये दो तो रूल आउट इसलिए हो गए कि जहां डिस्टेंस कम है वहां रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू कम होनी चाहिए। हम देखने चले तो ये 98.7, 62.8, 37.2, 1.3। क्रॉस वन में रिकॉम्बिनेंट क्रॉस टू के मुकाबले कम होने चाहिए, ये तो हो गया गलत। आ जाइए फोर्थ ऑप्शन, 62.8% अगर आप रिकॉम्बिनेंट ले जाएंगे तो संभव ही नहीं है, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट कभी भी 50% से ज्यादा नहीं होते, तो ये भी हो गया गलत। ऑप्शन तो एक ही बच रहा है। मान लीजिए पेज 84 आपको याद भी नहीं होता, उसके रिजल्ट याद भी नहीं होते, तो भी आप इस चीज को बता सकते थे। ये तो मैंने आपको बताया कि आंसर कैसे निकाला। हमने कहा जहां डिस्टेंस कम है वहां रिकॉम्बिनेंट की वैल्यूज कम होनी चाहिए, तो इसमें रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू सेकंड वाले से ज्यादा, इसमें भी सेकंड वाले से ज्यादा, तो ये दोनों आंसर तो रूल आउट। यहां रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू 50% से ज्यादा हो गई तो ऑटोमेटिकली रूल आउट, वो आंसर है हमारा। अब एनसीईआरटी को हम जब एक्सप्लेनेशन में देखें, सेकंड आंसर आ गया, ये तो तय है। तो मैं क्या सिखाना चाह रहा हूं कि क्रॉस वन और क्रॉस टू के लिए आपको यहां बताया गया कि यहां रिकॉम्बिनेंट है 1.3% और यहां रिकॉम्बिनेंट है 37.2%। ये दो वैल्यूज जो आपको दी है, अब आप इसके हिसाब से यहां पेरेंटल भी देख लीजिए। यहां पेरेंटल आपके कितने हैं, 98.7% और यहां पेरेंटल आपके कितने हैं, 62.8%। बेटा ये चार चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन चारों डेटास को आप लर्न कर ले। पेज 84 का सार यही है। क्रॉस वन में पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज, क्रॉस टू में पेरेंटल कॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेंट का परसेंटेज, ये आपको लर्न कर लेना है अच्छे से। क्लियर बच्चों ये वाला क्वेश्चन? आइए नाइन क्वेश्चन। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस इफ वन कैरेक्टर शो कोडोमिनेंस एंड अदर कैरेक्टर शो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, व्हाट विल बी जीनोटिपिक रेशियो इन दिस प्रोजेनी। एक द्विसंकर क्रॉस में एक लक्षण सहप्रभाविता तथा दूसरा लक्षण अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है, इनकी संततियों में जीन प्रारूप का अनुपात क्या होगा। बच्चों बहुत सिंपल कंसेप्ट बता दूं, मेंडल का कहना था कि अ डायहाइब्रिड क्रॉस इज ए प्रोडक्ट ऑफ टू मोनोहाइब्रिड क्रॉस। कोई भी डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। अगर मैं उस कंसेप्ट को यहां लगाता हूं तो मैं कहता हूं कि मुझे एक डायहाइब्रिड क्रॉस के बारे में पूछा है और मुझे वहां दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस दिए गए हैं। पहला मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहता है कि सहप्रभाविता यानी कोडोमिनेंस है, और कोडोमिनेंस के अंदर अगर मैं जीनोटिपिक रेशियो की बात करूं तो इस पहले क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो मेरा है 1:2:1। कोडोमिनेंस का जीनोटिपिक रेशियो यही आता है। दूसरा कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है यानी अपूर्ण प्रभाविता दिखाता है, और अपूर्ण प्रभाविता का जीनोटिपिक रेशियो आता है 1:2:1। एक डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के गुणनफल के बराबर है, यानी अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि एक ऐसा डायहाइब्रिड क्रॉस जिसमें एक कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस है, सॉरी कोडोमिनेंस है, और दूसरा कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है। जरा मल्टीप्लाई करके देख लें, पहले इस 1 से 1:2:1, फिर इस 2 से 2:4:2, फिर इस 1 से 1:2:1,
टू वन, चार बार वन आया, चार बार टू आया, एक बार चार आया, आंसर कौन सा है? थर्ड। आंसर कौन सा है? थर्ड। सर इसका मतलब ऐसे कितने भी क्वेश्चंस हो हम उन्हें इसी तरीके से करें? हाँ, मान लीजिए क्वेश्चन में आपसे कहा कि ये आपके पास एक डायहाइब्रिड क्रॉस है जो दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मल्टीप्लिकेशन है, और आपसे कह दिया जाए एक कैरेक्टर कंप्लीट डोमिनेंस है, उसका फिनोटिपिक रेशियो 3:1 है, दूसरा कैरेक्टर इनकम्प्लीट डोमिनेंस है जिसका फिनोटिपिक रेशियो ये है, तो बताइए इस क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा? तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। पूछा जाए इस डायहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो क्या आएगा, तो आपने कहा मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, और यहां भी जीनोटिपिक रेशियो 1:2:1, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। मतलब ये तो बहुत बेहतरीन ट्रिक हो गई कि एक डायहाइब्रिड क्रॉस दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होता है। ये कंसेप्ट ऐसे जितने भी क्वेश्चन है सब पे लगा लो, आपके सारे सवालों के आंसर आपको मिल जाएंगे। आइए बच्चों, आंसर क्या गया हमारा? थर्ड। क्लियर? आइए, एक पेडिग्री आपको दिखाई है, इस पेडिग्री को आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये पेडिग्री ऑटोसोमल रिसेसिव है, एक्स लिंक रिसेसिव है, मैटरनल इनहेरिटेंस है या पैटर्नल इनहेरिटेंस है। ऑटोसोमल रिसेसिव अलिंग, ये क्या है? ऑटोसोमल रिसेसिव, ये क्या है? मैटरनल इनहेरिटेंस, ये क्या है? एक्स लिंक रिसेसिव, और ये क्या है? पैटर्नल। ध्यान से समझिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में हमें चीजें एक साथ एक्सप्लेन कर रहा हूं। पहला, ये पेडिग्री पैटर्नल नहीं हो सकती क्योंकि यहां पर फीमेल भी डिजीज दी गई है, और पैटर्नल इनहेरिटेंस सिर्फ वाई क्रोमोसोम की वजह से होता है, तो फोर्थ तो हो गया ऑप्शन से आउट। एक्स लिंक रिसेसिव की अगर मैं बात करता हूं तो एक्स लिंक रिसेसिव में इसी सेक्शन में हमने पढ़ा कि अगर एक डॉटर हीमोफिलिक है तो उसके फादर को हीमोफिलिक होना ही पड़ेगा। इसका मतलब अगर कहीं पर भी नॉर्मल फादर के डिजीज डॉटर दी गई है, नॉर्मल फादर के डिजीज डॉटर दी गई है, तो ऐसा एक्सएल आर पेडिग्री के अंदर संभव नहीं है। समझ में आ गया? कौन सी पेडिग्री में संभव नहीं है? एक्सएल आर। अब बचे ये दोनों ऑप्शन, इन दोनों ऑप्शन में से इसका आंसर है पैटर्नल इनहेरिटेंस, सॉरी पैटर्नलिंग मैटर्नल इनहेरिटेंस, यानी साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जिसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक या मैटर्नल इनहेरिटेंस। समझिएगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर एआर भी इसका आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन अगर मैं द स्टार पॉइंट देखूं डायग्नोसिस का तो वो मैटर्नल इनहेरिटेंस का है। क्या है द स्टार पॉइंट? साइटोप्लाज्मिक और मैटर्नल इनहेरिटेंस, इन सच इनहेरिटेंस कैरेक्टर इज ओनली ट्रांसमिटेड बाय फीमेल। सो इफ मदर इज डिजीज, ऑल प्रोजेनी हैव डिजीज। इन साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस कैरेक्टर इज नॉट ट्रांसमिटेड बाय फादर। सो इफ फादर इज डिजीज, ऑल प्रोजेनीज आर नॉर्मल। इफ फादर इज डिजीज, ऑल प्रोजेनीज आर नॉर्मल। साइटोप्लाज्मिक या मातृक वंशानुगति के अंदर अगर मां किसी लक्षण या रोग को रखती है तो आने वाली हर संतति में वह रोग या लक्षण प्रदर्शित होगा, वहीं अगर पिता में वह रोग या लक्षण है तो वह आने वाली संतति में प्रदर्शित नहीं होगा। यहां पर भी यही, बेटा ये इनका बच्चा है, ये इनकी बच्ची है, ये दोनों इनके बायोलॉजिकल नहीं है, इधर ये वाला और ये हो गई बहू, वो हो गया दामाद। तो कंफ्यूज मत हो जाइएगा कि सर ये इनका बच्चा नहीं, बेटा ये अलग है। क्लियर है कंसेप्ट? तो इसका मतलब इसका बेस्ट आंसर हमें क्या चुनना है? जैसे नीट में कई बार होता है, एक पार्शियल करेक्ट होता है, एक कंप्लीट करेक्ट होता है, तो कंप्लीट करेक्ट कौन सा हो गया? थर्ड। क्लियर बच्चों, आंसर क्या है इसका? थर्ड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द पार्ट ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल एनीमिया। अरे सिकल सेल एनीमिया से सफर कर रहा है तो बीटा चेन की सिक्स पोजीशन पर क्या होना चाहिए? वेलिन। यहां एक ऐसे व्यक्ति के हीमोग्लोबिन की बीटा चेन दर्शाई गई है जो दात्र कोशिका अल्परक्तता से पीड़ित है,
खाली गोला किसको दर्शाता है? खाली गोला किसको दर्शाता है? वेलिन को, वेलिन को दर्शाता है। ऑप्शन देखें, सेम एज वन वेलिन, अरे आंसर मिल गया। सेम एज टू नहीं, सेम एज थ्री नहीं, सेम एज फाइव नहीं। तो याद रखिए, सिक्स पोजीशन पर अगर वेलिन है बीटा चेन में तो ये सिकल सेल एनीमिया की तरफ चला गया, और अगर सिक्स पोजीशन पर ग्लूटामिक है तो ये नॉर्मल चेन की तरफ चला गया। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा इसका? फर्स्ट, क्लियर है? आइए ट्वेल्थ क्वेश्चन। इन मॉर्गन एक्सपेरिमेंट एफ टू रेशियो डेविएटेड वेरी सिग्निफिकेंटली फ्रॉम 9:3:3:1 रेशियो, दिस इज यू टू। याद रखना बच्चों, मेंडल ने दिया था इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट और उसका रेशियो था 9:3:3:1, और मॉर्गन ने दी थी लिंकेज, और लिंकेज देने का मेन रीजन था कि उसका ये रेशियो यहां पर नहीं आ रहा था। तो उसने जब इसका रीजन ढूंढा तो उसे समझ में आया कि इसका कारण है क्या, लिंकेज। मॉर्गन के एक्सपेरिमेंट में जब 9:3:3:1 नहीं आ रहा था तो उसे समझ में आया इसका कारण क्या है, लिंकेज। तो एनसीईआरटी भी हमें उस चीज को क्लियर करती है। और फिर से समझा दूं, मॉर्गन डिस्कवर्ड लिंकेज क्योंकि उसे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट से अलग रिजल्ट मिल रहे थे, और उसका रीजन क्या है, लिंकेज। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, एनसीईआरटी बेस्ड, तो आंसर क्या जाना चाहिए, लिंकेज। फोर्थ, आइए बच्चों अगला क्वेश्चन। बच्चों 13 नंबर का क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिए। चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेंडेलियन डिसऑर्डर। मेंडेलियन डिसऑर्डर को हम जीन डिसऑर्डर भी कहते हैं। मेंडेलियन विकारों के संदर्भ में सही विकल्प चुनिए। वो जो जीन डिसऑर्डर है वो सभी मेंडेलियन डिसऑर्डर कहलाते हैं, यानी इसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर शामिल नहीं है। डाउन सिंड्रोम क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, ये शामिल नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस शामिल है क्योंकि जीन डिसऑर्डर है। टर्नर सिंड्रोम भी क्रोमोसोम का डिसऑर्डर है, यानी शामिल नहीं है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी जीन डिसऑर्डर है। फिनाइल कीटोन यूरिया भी जीन डिसऑर्डर है, और थैलेसीमिया भी जीन डिसऑर्डर है, यानी सेकंड, 4, 5 एंड 6। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, होगा फोर्थ। यह इंपॉर्टेंट चीज समझा दूं, जितने भी जीन डिसऑर्डर है जैसे ऑटोसोमल रिसेसिव में, एल्बिनिज्म हो गया, सिकल सेल एनीमिया हो गया, फिनाइल कीटोन यूरिया हो गया, एलकैप्टोन यूरिया हो गया, सिस्टिक फाइब्रोसिस हो गया, थैलेसीमिया हो गया, ये सब जीन डिसऑर्डर। ऑटोसोमल डोमिनेंट में मार्फन सिंड्रोम हो गया, हंटिंगटन स्कोरिया हो गया, पॉलीडेक्टाइली जैसे फीचर्स की हम बात करें, ये सब ऑटोसोमल डोमिनेंट, ये सब जीन डिसऑर्डर है। एक्सलिंक रिसेसिव में कलर ब्लाइंडनेस हो गया, हीमोफीलिया हो गया, G6PD हो गई, ये सब जीन डिसऑर्डर है। लेकिन डाउन, पटाऊ, एडवर्ड ऐसे डिसऑर्डर जीन डिसऑर्डर में काउंट नहीं होंगे क्योंकि वो क्रोमोसोम के नंबर से रिलेटेड है। तो क्रोमोसोम के नंबर या स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिसऑर्डर यहां काउंट नहीं होंगे मेंडेलियन डिसऑर्डर में, सिर्फ जीन डिसऑर्डर काउंट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ कोडोमिनेंस। निम्न में से कितने सहप्रभाविता के उदाहरण हैं? चेक करते हैं, क्या AB ब्लड ग्रुप सहप्रभाविता का उदाहरण है? यस, IA, IB। सिकल सेल ट्रेट, ट्रेट लिखा है, यानी HBA, HBS, सिकल सेल ट्रेट, ये भी सहप्रभाविता का उदाहरण है, बिल्कुल सही। पुष्प का रंग स्नैपड्रैगन में, ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का उदाहरण है। स्नैपड्रैगन में पुष्प का रंग या फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, तो ये शामिल नहीं होगा। कोट कलर इन कैटल, कोट कलर इन कैटल के अंदर हमें मिलता है कौन सा कैटल? रोअन कैटल। रोअन कैटल मिलता है जहां अगर हम दो डिफरेंट कलर, जैसे हमने कहा रेड और ब्लैक या जो भी ले लें, तो स्पॉटेड अपीयरेंस आएगी, रोअन अपीयरेंस आएगी, तो वो भी एक तरह से इसका एग्जाम्पल है। क्लास में हम ये बात करते ही हैं। इंटरमीडिएट स्टार्च ग्रेन साइज, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, मतलब हमारे पास टोटल कितने मिले? तीन है जो कोडोमिनेंस के एग्जाम्पल है। लेकिन यहां ध्यान देना है कि तीन कहां लिखा है, ये भी आपको सीखना है। जल्दबाजी में ऐसा ना हो कि आप तीन नंबर को टिक कर दें। तीन नंबर में चार दिया है, तो चार नंबर का ऑप्शन कहता है कि यहां टोटल तीन कैरेक्टर्स हैं जिनकी बात कोडोमिनेंस में हो रही है, इसीलिए तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा, चार। क्लियर बच्चों? अगला क्वेश्चन बेटा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है,
पर समझ लो तो बहुत आसान। क्या कहता है ये क्वेश्चन समझिएगा। दो तरह के कैरेक्टर आपके सामने दिए गए हैं। पहला वो कैरेक्टर जहां दो डिफरेंट जीनोटाइप पर सेम फीनोटाइप है, 50 यूनिट 50 यूनिट, और यहां ये, यानी दो ही तरह के फीनोटिपिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, या तो मैक्सिमम या मिनिमम। यहां मैक्सिमम फीनोटिपिक एक्सप्रेशन भी है, मिनिमम फीनोटिपिक एक्सप्रेशन भी है, और इंटरमीडिएट एक्सप्रेशन भी है। अब आपको बता दूं, मेंडल ने जितने भी कैरेक्टर्स की स्टडी करी वो सारे के सारे कैरेक्टर्स क्वालिटेटिव थे। कौन से थे? क्वालिटेटिव। याद रखना बच्चों ये चीज, ये जो शब्द मैं लिख रहा हूं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव का मतलब होता है क्वालिटी यानी गुणात्मक, क्वालिटेटिव यानी गुणात्मक। और इसमें आपको सिर्फ मैक्सिमम एंड मिनिमम ही मिलेगा। टॉल ड्वार्फ, राउंड रिंकल, पर्पल व्हाइट, इन्फ्लेटेड डिफ्लेटेड। दूसरे कैरेक्टर होते हैं क्वांटिटी, क्वांटिटेटिव। यहां आपको मिलेगा मैक्सिमम, यहां आपको मिलेगा मिनिमम, लेकिन साथ में आपको क्या मिलेंगे? इंटरमीडिएट। तो एक चीज तो क्लियर हुई कि इस तरफ का आंसर हमारा जाएगा कैसा? क्वालिटेटिव। और इस तरफ का आंसर हमारा क्या जाएगा? क्वांटिटेटिव। एक और चीज, यहां टी जीन है, यहां भी टी जीन है, यहां भी टी जीन है, यानी एक सिंगल जीन की ही बात हो रही है, तो ये पॉलीजेनिक होगा या मोनोजेनिक? मोनोजेनिक। तो जहां पॉलीजेनिक ऑप्शन में दे रखा है वो तो कट गए। आइए और समझ लेते हैं। अब हमें क्या चीज है, ये लीजिए, यहां भी पॉलीजेनिक। तो ऑटोमेटिकली अगर मैं एलिमिनेशन मेथड अपनाऊं तो मेरा आंसर निकल के आ गया सेकंड। सिंगल जीन की बात हो रही है तो पॉलीजेनिक जिस ऑप्शन में है वो ऑटोमेटिकली कट गया। अब समझ लेते हैं, मोनोजेनिक इनहेरिटेंस है, क्वांटिटेटिव है ये वाला, सिंगल जीन की वजह से। सर सिंगल जीन कैपिटल टी दो जीन हो गई? नहीं बेटा, एक ही जीन की दो फॉर्म है, याद रखना, इसीलिए मोनोजेनिक कहा। और यहां क्या है? क्वालिटेटिव, इसीलिए ये। तो आइए हिंदी में देख लें इसे, आंसर क्या है हमारा? सेकंड। लक्षण प्रारूप 50 यूनिट 35 यूनिट, और ये ऐसे ही लक्षण प्रारूप ही है। क्या कहा हमने कि यहां एक सिंगल जीन की बात हो रही है, इसका मतलब बहुजीनीय वंशानुगति वाले जहां भी ऑप्शन है वो कट गए, तो ऑटोमेटिकली आंसर तो निकल के आ गया सेकंड। समझ लेते हैं, अगर सिर्फ अधिकतम एवं न्यूनतम वैल्यूज दी गई है तो गुणात्मक की बात हो रही है, और अधिकतम न्यूनतम के अलावा इंटरमीडिएट की भी बात हो रही है तो मात्रात्मक की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चे इसका? सेकंड। क्लियर है बच्चों सेकंड आंसर? आइए अगला, मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू। ऐसे जितने भी सवाल होते हैं, जैसे अभी हमने पहले पढ़ा एलिमिनेशन मेथड यूज कर ले, यहां पर भी वही चीजें वन बाय वन लगती है। मैच द कॉलम वन विद कॉलम टू एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन। ध्यान से देखिए, डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस, यहां अगर आप डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस की बात करेंगे तो डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट ये है, तो ए के सामने क्या होना चाहिए? थर्ड। किन दो ऑप्शन में ए के सामने थर्ड है? यहां, तो ये दोनों तो कट गए। क्लियर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का दूसरा नाम क्या है? प्योरिटी ऑफ गैमेट। तो बी के सामने क्या होना चाहिए? फोर्थ। यानी आंसर आने के चांसेस किसके बढ़ गए? इसके। ये तो गलत हो गया। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब दिया गया था? डायहेब्रिड क्रॉस में, सही है। एबीओ ब्लड ग्रुप इन मैन किसका एग्जाम्पल है? मल्टीपल एलील का, तो आंसर क्या है इसका? फर्स्ट कॉलम में। आइए देख लेते हैं हिंदी में, कॉलम एक तथा कॉलम दो को सुमेल कीजिए तथा सही विकल्प का चयन करें। डायहेब्रिड क्रॉस, डायहेब्रिड टेस्ट क्रॉस, ये आंसर। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या पृथक्करण का नियम, युग्मकों की शुद्धता। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, डायहेब्रिड क्रॉस। मनुष्य में ए बी ब्लड ग्रुप बहुयुग्म विकल्पी, यानी ए का थर्ड, बी का फोर, सी का सेकंड, डी का फाइव। आंसर क्या है? फर्स्ट। क्लियर बच्चों?
आंसर क्या है हमारा? फर्स्ट. अगला क्वेश्चन. इन एन एक्सपेरिमेंट अ प्लांट होमोजाइगस फॉर स्मॉल एबी जीन वर क्रॉस्ड विद वाइल्ड टाइप. द F1 हाइब्रिड वॉज टेस्ट क्रॉस्ड एंड द प्रोजेनी इज प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रेशियो. एक प्रयोग में स्मॉल एबी जीन के लिए समयुग्मजी पादप का क्रॉस वन्य प्रकार से कराया गया. इसके बाद F1 संकर का परीक्षणार्थ क्रॉस कराया गया जिसमें संततियों का निम्न अनुपात प्राप्त हुआ. पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूं यहां. लिंकेज के सवालों के अंदर आपको टेस्ट क्रॉस शब्द लिख दिया जाएगा जब भी न्यूमेरिकल आएंगे कि हमने टेस्ट क्रॉस कराया है. दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दूं. याद रखिएगा पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वैल्यू रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू से ज्यादा होगी. पेरेंटल कॉम्बिनेशन की वैल्यू रिकॉम्बिनेंट की वैल्यू से ज्यादा होगी. तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट. परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट जब आपको निकालना हो तो आपको निकालना पड़ेगा टोटल न्यू कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल पेरेंटल कॉम्बिनेशन प्लस न्यू कॉम्बिनेशन. पेरेंटल कॉम्बिनेशन प्लस न्यू कॉम्बिनेशन. आइए समझ लेते हैं. यहां हमें चार तरह की संततियां दी गई हैं, प्रोजेनीज दी गई हैं. जो दो ज्यादा हैं अमाउंट में वो क्या हो गई? पेरेंटल. और जो दो कम है अमाउंट में वो क्या हो गई? न्यू कॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेंट. पहली चीज तो मुझे ये समझ लेनी है. अगर मुझे न्यू कॉम्बिनेशन के नंबर दिए हैं तो मुझे इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है. और परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट की अगर मैं बात करूंगा कि मैंने कहा परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट, ध्यान दीजिएगा बच्चों, परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट की बात कर रहा हूं. परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट दोनों का टोटल करा 224. इन चारों वैल्यूज का टोटल करा 2000 × 100. क्योंकि मुझे किस में निकालना है बेटा आंसर? परसेंटेज में निकालना है, इसलिए मुझे 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ा. आंसर कितना आया? 11.2%. आप कर लीजिए, आंसर यही आएगा. यहां जो चीज सिखाना जा रहा हूं वो क्या है कि जितने परसेंट रिकॉम्बिनेंट आए उतने सेंटीमॉर्गन की डिस्टेंस आंसर है. तो ऐसे जितने भी क्वेश्चन हैं उसमें आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि परसेंटेज रिकॉम्बिनेंट निकालना है हमें. और वो कैसे निकलेगा? टोटल न्यू कॉम्बिनेशन डिवाइडेड बाय टोटल पेरेंटल प्लस न्यू कॉम्बिनेशन. पेरेंटल कौन है? जिनकी वैल्यू ज्यादा है. रिकॉम्बिनेंट कौन है? जिनकी वैल्यू कम है. तो यहां हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 11.2 सेंटीमॉर्गन. क्लियर बच्चों? आइए आंसर नंबर थर्ड. The minimum weight of tomato obtained from a plant is 20 gram. The maximum weight of tomato obtained is 120 gram. What will be the weight of tomato obtained by crossing plant with a genotype capital A, small b and small b? एक पादप से प्राप्त टमाटरों में न्यूनतम वजन 20 ग्राम है, अधिकतम वजन 120 ग्राम है. इस क्रॉस जीन वाले पादप में क्रॉस करवाने पर प्राप्त पौधे में टमाटरों का वजन क्या होगा? पहला पॉइंट, अगर एक से ज्यादा जीन के थ्रू ये कैरेक्टर कंट्रोल हो रहा है तो इसका मतलब ये इनहेरिटेंस जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये इनहेरिटेंस है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. सबसे पहले मुझे ये समझ लेना है कि ये कौन सी इनहेरिटेंस? पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस. दूसरा पॉइंट, मैक्सिमम वजन 120 ग्राम, मिनिमम वजन 20 ग्राम. तो तीसरा पॉइंट, एक जो भी डोमिनेंट है उसका कंट्रीब्यूशन कितना है? यानी 20 ग्राम वजन जो सबसे कम है उस पर जैसे जैसे डोमिनेंट फॉर्म जुड़ती गई उनका कंट्रीब्यूशन कितना है. तो कंट्रीब्यूशन निकल के आएगा मैक्सिमम फीनोटिपिक एक्सप्रेशन माइनस मिनिमम फीनोटिपिक एक्सप्रेशन डिवाइडेड बाय मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डोमिनेंट फॉर्म. मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ डोमिनेंट फॉर्म क्या हो सकती है? कैपिटल ए, कैपिटल बी, और इसमें टोटल चार आ रही है. तो ये डिवाइड करा तो आंसर कितना आया? 25 ग्राम. जिन बच्चों को एकदम से लगा हो कि क्या हो गया, समझा दो उनके लिए.
पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करते हैं तो उस क्वेश्चन में हमें एक डोमिनेंट फॉर्म ने कितने ग्राम, कितने सेंटीमीटर या जो भी यूनिट है कितनी ऐड करी वो देखना होता है। वो कैसे देखते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, 120 माइनस 20 करा तो कितना 100, 100 ग्राम मैक्सिमम जुड़ सकता है। चार कैपिटल डोमिनेंट फॉर्म, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल बी, चार डोमिनेंट फॉर्म 100 ग्राम जोड़ती है तो एक डोमिनेंट फॉर्म कितना जोड़ेगी 25 ग्राम। क्लियर, 25 ग्राम का वजन बढ़ा देगी। तो 20 पे 25 ग्राम जोड़ा तो 45, दो आ गई तो 45 पे और 25 जुड़ जाएगा, तीन आ गई तो और 25 जुड़ जाएगा। अब इन दोनों की प्रोजेनी को देख लेते हैं। कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी, इसका गैमेट बना कैपिटल ए स्मॉल बी, इसका गैमेट बना स्मॉल ए स्मॉल बी, घर में खुशी आई, ये वाली। जरा देखिए यहां कितनी डोमिनेंट फॉर्म आपकी आंखों के सामने आ रही है, एक। तो एक डोमिनेंट फॉर्म कितने ग्राम जोड़ने वाली है, 25 ग्राम का वजन। ये 25 ग्राम का वजन 20 ग्राम पर जुड़ा मिनिमम पर, तो 25 ग्राम प्लस 20 ग्राम आंसर क्या हो गया 45। याद रखिएगा एक डोमिनेंट फॉर्म ने 25 ग्राम जोड़ा 45, अगर दो डोमिनेंट फॉर्म होती तो और 25 जुड़ जाता 70, और होती तो और 25 जुड़ जाता 95, फिर 120। इस तरह से ये क्वेश्चन करने, क्लियर। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट 19 क्वेश्चन, व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस, ऑब्टेन फ्रॉम दिस क्रॉस विल बी कंप्लीटली हेटेरोजाइगस फॉर ऑल द जीन्स सेग्रीगेटेड इंडिपेंडेंटली। दिए गए क्रॉस से उत्पन्न संततियों का कौन सा अनुपात स्वतंत्र रूप से विसंयोजित सभी जीन्स के लिए पूर्णतः विषमयुग्मजी होगा। ऐसे सवालों को करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले दिए गए क्रॉस को आप सेक्शंस में बांट लें। कैसे, कैपिटल ए स्मॉल ए उसका कैपिटल ए से क्रॉस है, दूसरा कैपिटल बी स्मॉल बी उसका कैपिटल बी से क्रॉस है, तीसरा कैपिटल सी स्मॉल सी उसका कैपिटल सी से क्रॉस है। और आपसे कहा गया है कि इनके यहां आने वाली इस प्रोजेनी की प्रोबेबिलिटी या प्रायिकता बताएं। तो इसके अंदर कैपिटल ए स्मॉल ए आने का चांस हाफ, यहां कैपिटल बी स्मॉल बी आने का चांस हाफ इन दोनों के क्रॉस में, और यहां कैपिटल सी स्मॉल सी आने का चांस भी कितना हाफ। ये लीजिए, एक एक्सप्लेन कर देता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, एक आएगा कैपिटल ए स्मॉल ए हाफ चांस, एक आएगा कैपिटल ए हाफ चांस। तो तीनों का एक साथ आने का चांस 1/2 1/2 1/2, यानी 1/8। आंसर क्या चला गया, फर्स्ट। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करते हुए आपको क्या करना है, डिवाइड कर लीजिए ताकि आपके लिए आसान हो जाए। तो आंसर क्या होगा इसका, फर्स्ट। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 20, पुन्नेट स्क्वायर पर बेस्ड क्वेश्चन है। द पुन्नेट स्क्वायर शोन बिलो रिप्रेजेंट द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन ए डायहाइब्रिड क्रॉस। नीचे दिया गया पुन्नेट शतरंज द्विशंकर क्रॉस की वंशानुगति का प्रारूप दर्शाता है। चूज द करेक्ट सिंबल हैविंग सिमिलर जीनोटाइप, सही संकेत का चयन करें जिनका जीन प्रारूप समान है। चेक कर लेते हैं वन बाय वन, हम इस क्रॉस को देख सकते हैं, हमें पता पड़ जाएगा। पहला ऑप्शन है एफ के, एफ और के को अगर देखा जाए तो एफ का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई। के का जीनोटाइप क्या आएगा, के का जीनोटाइप यहां से निकालें तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये दोनों जीनोटाइप सेम नहीं है। जी और एच को देख लेते हैं, जी का जीनोटाइप क्या है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एच का जीनोटाइप निकल के क्या आ रहा है, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ये भी सही नहीं है। एल एंड ओ को देख लेते हैं, एल का जीनोटाइप क्या आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, और यहां भी जीनोटाइप क्या आ रहा है, कैपिटल वाई स्मॉल आर, यहां दोनों जीनोटाइप सेम है। फोर्थ पी एन यू को देखेंगे, पी का जीनोटाइप क्या आ रहा है, स्मॉल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यू का जीनोटाइप क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है स्मॉल आर स्मॉल वाई, यानी ये भी सेम नहीं।
ऐसे क्वेश्चंस में आपको याद रखने के लिए सिंपल कह देता हूं, जो जीनोटाइप जी का है वही जे का है, जो जीनोटाइप एच का है वही एन का है, जो जीनोटाइप आर ओ एल आई चारों का भी सेम है, जो जीनोटाइप एम का है वही जीनोटाइप एस का है, जो जीनोटाइप क्यू का है वही जीनोटाइप टी का है। आप पुनेट स्क्वायर में इस तरह से लर्न कर सकते हैं जैसे मैंने ये लिख दिया। क्लियर बच्चों? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? थर्ड। ये थे बच्चों T20 सीरीज में प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस के एक फास्ट फॉरवर्ड रिवीजन। आशा करते हैं कि इस T20 सीरीज के रिवीजन से आपके टेस्ट में मार्क्स इम्प्रूव होंगे तथा आप नीट में बहुत ही अच्छे मार्क्स के साथ सेलेक्ट होंगे और बहुत अच्छी रैंक लेकर के आएंगे। टुगेदर वी विल मेक ए डिफरेंस। थैंक यू बच्चों।